और चलिए बात करेंगे उन्नत झारखंड की। रघुवर सरकार के प्रयास से बोकारो के लोग 25 दिसंबर से हवाई यात्रा का आनंद ले सकेंगे। इसका शिलान्यास इसी महीने के आखिरी सप्ताह में होगा। एयरपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रांची की टीम ने बोकारो का दौरा किया। पच्चीस दिसंबर 2018 बोकारो के लिए ऐतिहासिक दिन होगा। सरकार ने इस दिन से बोकारो में हवाई सेवा शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम ने बोकारो के हवाई पट्टी का निरीक्षण किया। बोकारो हवाई पट्टी को 72 सीट वाले हवाई जहाज की क्षमता लायक बनाया जाएगा। इसके लिए एजेंसी को काम सौंपा गया है। 25 दिसंबर को क्रिसमस के साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन भी है। सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए हवाई सेवा शुरू करने की तिथि तय की है। बिजी प्रोसेस था हमारा, जो काम अभी इसको एक्सपेंड करना है, रनवे वगैरह का काम का अभी टेंडर हो गया, तो एजेंसी वगैरह फिक्स हो रहे हैं, तो काम करेंगे, इसी के लिए हम लोग आया। तो कब से ये काम चालू होगा, कब से क्या? काम तो इतने मंथ शुरू हो जाएगा, कार्पेटिंग वगैरह। प्रबंधन का सबका पॉजिटिव इसके तरफ में, एयरपोर्ट को जितना जल्दी कमीशन करना सके, और हम लोग लेके चल रहे हैं एक डेट 25 दिसंबर का, और 25 दिसंबर के लिए के हिसाब से सब लोग अपने काम में लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि बोकारो एयरपोर्ट से पहले 42 सीटर विमान से शुरुआत की जाएगी, फिर इसे बढ़ाकर 72 सीट और फिर 200 सीट वाले हवाई जहाज लायक बनाया जाएगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इस हवाई अड्डे को विकसित करने के लिए लगभग 40 करोड़ रुपए का टेंडर निकाला है। बोकारो विधायक का कहना है कि हवाई सेवा की शुरुआत होने से बोकारो वासियों का बड़ा सपना पूरा हो जाएगा। 25 दिसंबर को लक्ष्य रखा है कि किसी भी हालत में, पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है और बड़ा शुभ दिन है, वह दिन बोकारो के लिए ऐतिहासिक होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस प्रकार की तैयारियां हैं, इसी अगस्त महीने में हमारे माननीय मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई है, केंद्रीय उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा जी से बात हुई है, पिछले दिनों दिल्ली गया था तो बात किया, वो दोनों इसी अगस्त महीने में शिलान्यास करेंगे। बोकारो से हवाई यात्रा की शुरुआत होने से न केवल यहाँ के लोगों को फायदा होगा, बल्कि बाहर से बोकारो समेत कोयलांचल और उत्तरी छोटा नागपुर में पूंजी निवेश करने वालों को भी सुविधा मिलेगी, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, Z Media.